झारखंड बीजेपी को भी युवा और ऊर्जावान बनाने के लिए प्रयास शुरू हो गए हैं। झारखंड युवा राज्य है, ऐसे में बीजेपी में युवा चेहरों को मुख्य धारा में लाया जाएगा। केंद्रीय इकाई के निर्देश पर युवाओं की टीम बनाने को कहा गया है। झारखंड बीजेपी में उम्रदराज नेताओं की संख्या ज्यादा है। प्रमुख पदों पर बैठे अधिकांश नेताओं की उम्र 50 पार है। केंद्रीय इकाई के निर्देश पर राज्य में बीजेपी का पुनरीक्षण और पुनर्गठन किया जा रहा है। इसमें मंडल स्तर पर कमेटी में 40 की उम्र से कम के कार्यकर्ताओं को रखा जाना है। मंडल की कमेटी में हम लोगों ने तय किया है, पार्टी ने तय किया है कि व्यवहारिक रूप से जो 40 वर्ष के उम्र के लोगों को हम सब, अगर कोई अपवाद न हो तो कुल मिलाकर के ऐसे लोगों को तरजीह दे करके हम एक युवा वर्ग को और मजबूत पार्टी को, संगठन को और जोश और होश लेने के साथ हम पार्टी को मजबूत करने का जो संकल्प उसको पूरा करें। पूरे राज्य में बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक कार्यकर्ताओं की पुनरीक्षित टीम तैयार हो रही है। इनमें युवाओं को तरजीह दी जा रही है। वैसे बीजेपी का युवा मोर्चा तो है ही, जहां 40 से कम उम्र के युवा सदस्य बनते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला अब पूरी बीजेपी में लागू हो रहा है। मंडल की कमेटी में इस शर्त को अनिवार्य बनाया गया है। दूसरी इकाइयों में भी प्राथमिकता दी जा रही है। युवा कार्यकर्ताओं का कहना है कि युवाओं को महत्वपूर्ण दायित्व मिलेगा, वरिष्ठ लोगों का महत्व कम नहीं होगा। इससे नीचे का मंडल अध्यक्ष बनाने के पीछे एक सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि नई ऊर्जा के साथ, नई टीम के साथ और नए संरचना के साथ युवाओं द्वारा जो मंडल की संरचना है उसको मजबूत करना। पार्टी ने अपना एक तय किया है कि युवाओं को ज्यादा तरजीह मिले, युवा मंडल अध्यक्ष बने और मंडल स्तर पर युवा कमेटी रहे और उससे सीनियर लोग हैं वो जिला में रहें, प्रदेश में रहें, तो अपना एक नीचे से हमारा युवाओं का एक टीम खड़ा होते जाएगा। इसीलिए ये सब मुझे लगता है कि पार्टी ने। बहरहाल झारखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शक के रूप में भूमिका रहेगी। ये आशंका भी जता सकते हैं कि ज्यादा उम्र यानी 60 पार कहीं हो न जाए बेकार। राष्ट्रीय इकाई के निर्देश पर झारखंड में इसे लागू किया जा रहा है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए राजेश कुमार की रिपोर्ट।